उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जो बैरून में है, जो पाकिस्तान में है, माशाल्लाह ठीक होंगे। और एक और मंडी का आपको विजिट कराता हूँ, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और लाइक भी करना है, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, और वीडियो के लिए लाइक जरूर करना चाहिए ना। आप ये तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए भी शुक्रिया। और मंदिरों के रहन भी बताता हूँ, माशाल्लाह सुना जानवर भी दिखाता हूँ जो पूरा पाकिस्तान में मशहूर है। ये दांतों में 4 दांत है, ये 6 दांत, और छोटे बच्चे भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, और बड़े बकरे भी, और ये 7,000 रुपए का बड़ा बकरा, ये आप देख सकते हो। और आपको छोटे बच्चे दिखाता हूँ, सस्ते महंगे हर किस्म के, और लाइक जरूर करना, वो हमारा हक है, क्योंकि अच्छी वीडियो मजीद बनाएंगे आपके लिए, जो अच्छी चीज़ें अच्छे में दिखाता हूँ, पूरी मंडी का आपको विजिट कराता हूँ। हाँ यार रजू, सूरज से खूबसूरत आपको बकरे दिखाता हूँ, झालर वाले असल तोते नाक वाले, वो भी बता दूँ, और रेड भी बता दूँ, ये 50,000 के हैं, दांतों में 4 दांत, 50,000 सस्ते भी हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास खड़े हैं बकरे, और ये 25,000 के हैं, तकरीबन 5-6 महीने उम्र में है एक बकरा, और ये वाले बकरे हैं सस्ते, ये आपको मिल जाएंगे 22,000 में, और गुंजाइश भी हो जाएगी इंशाल्लाह। और भी बकरे आपको दिखा देता हूँ मैं, खूबसूरत से खूबसूरत बकरे, तो माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान मशहूर है, और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आप जैसे आप, और पट्टे भी दिखा दो, फीमेल बकरियाँ भी हर किस्म के जाना, ये माशाल्लाह खीरे बच्चे हैं, ये देखो दांत इनके, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और हमारी अपनी है, इस तरह समझो, ये देखो, और नाक देखो माशाल्लाह, बकरा है माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान, और पट्टे भी आपको दिखाता हूँ, बकरियाँ भी हर किस्म के जानवर इंशाल्लाह मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये बकरा है माशाल्लाह, ये भी देखो खूबसूरत है, दांतों में अभी 2 दांत हो गया अभी ऊपर, और इसके साइज भी देख सकते हो आप, लैक इतने खूबसूरत जानवर है, और भी बकरे दिखा देता हूँ आपको, बहुत खूबसूरत है, ये पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें मशहूर है, तोता भी हुआ है, और खूबसूरत है, और इसकी हाइट भी खूबसूरत है, और लेंथ भी ये देख सकते हो, ये छोटा बच्चा मैं आपको में आता है, एक 4 दांत है, 2 4 दांत है, लेकिन बकरा बहुत अच्छा है, कलर देख रहे बकरे का, खूबसूरती देखो माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बकरा है, और छाती भी देखो सुना, ये चीज़ ओरिजिनल में आता है, इसका पासा भी घुमा के आता है, चीज़ है अलहमदुल्ला एक नंबर। हाँ यार एक बात है, ये बच्चा देखो माशाल्लाह, ये भी बहुत खूबसूरत है, खीर है, देखो खीर है, खूबसूरत है, छोटे माशाल्लाह इसकी देखो, ओरिजिनल चीज़ है,
पर मैं आपको बता दूं, अब रेट का अंदाजा ये 37,000 रुपए का है और ये जूती पास में कराऊंगा मैं, ये 45 का है, दो नंबर पे खूबसूरत बकरा। जो अलग दिखा है वो भी आपको मिल जाएगा 45,000 का, खूबसूरत है। और जो ये दिखाया ना बकरा, ये आपको 40 का मिलेगा और ये 45 का मिलेगा। खूबसूरत चीज़ है ना, महंगी सस्ती होती है, लेकिन हर जानवर के ऊपर अपनी कीमत होती है, मुख्तलिफ होते हैं, सस्ते महंगे होते हैं ना। कोई बड़ा बकरा 30,000 का भी है, कोई बड़ा बकरा 50,000 का भी है, लेकिन खूबसूरती के ऊपर आता है। और ये देखो, ये 55,000 वाला फाइनल। और ये मंडी का नक्शा देख रहे हो ना आप, जुमेरात जुमे वाले दिन चक्कर लगा सकते हो, आपको मंडी का भी विज़िट कराएंगे और इतवार वाले दिन भी आप आ सकते हो। यहाँ पे काफ़ी तादाद में बकरे होते हैं, एक दो नहीं होते, सस्ते भी होते हैं और खूबसूरत भी होते हैं। ये देख सकते हो ना आप, ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, ये पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें माशाल्लाह मशहूर हैं। आप भी और विज़िट भी करो, आपको मुनासिब कीमत में मिलेंगे इंशाल्लाह। मंडी तो भरी हुई है, अगर मैं वीडियो रेट वाली बनाऊँ ना, सारा दिन बनाता रहूँ एक एक बकरे की और नहीं ख़त्म होगी। ये बकरे ही बकरे हैं, जहाँ पे चले जाओगे ना, बकरियाँ बकरे राजनपुरी बहुत ही ज़्यादा तादाद में होते हैं। जुमेरात वाले दिन लगते हैं कोट छुटा मंडी, मुनासिब कीमत में बकरे आपको मिलेंगे। मंडियाँ रोज़ाना लगती हैं, क्योंकि एक मोहम्मदपुर मंडी है ना, बहुत ही महंगी मंडी है, वो तकरीबन 5,000-7,000 बकरा महंगा मिलता है। आपने जो हमारे एरिया की मंडी है ना, जिस तरह कोट छुटा हो गया जुमेरात वाले दिन और जुमे वाले दिन चोटी जरीन हो गई, इन बकरियों की वहाँ पे इतनी डिमांड नहीं होती, हम उधर से जमा करके ना फिर राजनपुर मंडी मोहम्मदपुर मंडियों में जाके बेचते हैं, 5,000-10,000 बकरा ऊपर बिकता है। और आपको मंडी का भी विज़िट कराएंगे, अपने गांव का भी, आपको अच्छी और मुनासिब चीज़ मिलेगी, जो पूरे पाकिस्तान में ये मशहूर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक।